सो हे गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का आज के एक और न्यू वीडियो में। तो आज से गाइस एक दो महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पोको F5 के ऊपर, ठीक है। एंड उस टाइम मैंने ये बोला था आप लोगों को कि इस फ़ोन को आप अभी के टाइम पे परचेज मत करो। आज से मैं कुछ महीने बाद इसके ऊपर एक वीडियो प्रॉपर लेके आऊँगा कि क्या पोको F1 को आज के डेट में परचेज करना वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा। एंड गाइस देखो, ऐसा मैंने इसलिए बोला था क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेड इशू आने के आसार लग रहे थे, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो, प्राइस रेंज के हिसाब से जो इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस मिलते थे उस टाइम पे, वो एक अनदर लेवल पे ही था। करंट टाइम पे तो इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई हो चुकी है, 25 से 26 हज़ार रुपये के बीच में आपको मिलेगा। एंड क्रेडिट कार्ड वगैरह सब लगा के भी आप 24 तक ही ले पाओगे, एंड इससे सस्ता आपको न्यू में तो नहीं मिलेगा। तो बेसिकली गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो टाइप के फ़ोन्स के बारे में। मीन्स ये होगा एक न्यू रिफर्बिश्ड, आपको मान के चलो 15 हज़ार रुपये से लेकर 17 हज़ार के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 15 हज़ार रुपये प्राइसिंग इसलिए होगी क्योंकि गाइस इसको अभी एक साल भी नहीं हुआ मार्केट में आए हुए, तो दैट्स वाई थोड़ा सा महंगा मिलेगा सेकेंड हैंड में भी। बट अगर मैं बात करूँ न्यू की, तो 26,000 रुपीज़ में आपको विदाउट एनी कार्ड वगैरह मिल जाएगा फ़ोन। एंड अगर आप कार्ड वगैरह लगाते हो तो 24 तक आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बात करेंगे सबसे पहले गाइस इसके कुछ स्पेसिफिकेशन से, मैं शुरुआत करता हूँ कि इसके अंदर क्या मिलता है आपको। तो डिस्प्ले से अगर मैं शुरुआत करूँ गाइस, तो 6.67 इंचेस की आपको फुल HD प्लस एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है इसके अंदर, ठीक है। 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। एंड 12-bit डिस्प्ले है, तो 12 billion कलर्स आपको शो होंगे इसमें। तो कलर्स के हिसाब से तो आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी इसमें। गेमिंग की मैं बात करूँ तो 240 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं है। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ, Snapdragon 7 Plus Gen 2 का चिपसेट है जो कि एक 4nm पे बेस्ड है। एंड अगर मैं बात करूँ गाइज इस प्रोसेसर की, तो इसके अंदर इतना पावर है कि गाइज ये 90 FPS पे गेमिंग करवा सकता है, ठीक है। हाँ, 8 Gen 1 के जितना पावरफुल नहीं है, बट उससे कम भी नहीं, आप कह सकते हो उसके अराउंडली आप ये प्रोसेसर को ला सकते हो। इतना ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। LPDDR5 RAM का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, UFS 3.1 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। एंड गाइज इसके अंदर आपको 12 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल आप कह सकते हो कि एक एवरेज स्पीड आपको हर जगह मिल जाएंगी, मतलब सारे बैंड्स नहीं है बट एक जो नेसेसरी बैंड्स होते हो सारे हैं इसमें, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बात करूँगा इस बैटरी की, तो 5000mAh की बैटरी मिलती है इसके अंदर। एंड 67W का आपको चार्जर देखने को मिलता है। ओवरऑल गाइज मेरे को इसी टाइप के कॉम्बिनेशन ज़्यादा परफेक्ट लगते हैं, क्योंकि गाइज देखो 100+ जो वाट्स होते हैं इनमें क्या होता है कि बैटरी जो होती है वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है बड़ी जल्दी। बट एक एवरेज एक मतलब आप कह सकते हो जिससे ज़्यादा लॉस भी ना हो, बैटरी भी लंबी चले, तो उस हिसाब से 67W एक इनफ होता है। एंड इससे ज़्यादा चार्जिंग स्पीड का क्या ही करेंगे, ठीक है। बात करूँ कैमरे की, तो 64MP का आपको कैमरा मिलता है। वो IS का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, मींस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। मींस अगर आप नॉर्मली रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हो, तो अगर आप चलते टाइम पे कर रहे हो तो आपकी थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी को ये इन्हेंस कर देगा, मींस स्मूथ हो जाएगी वीडियो क्वालिटी, आपको मतलब वो झटके नहीं दिखेंगे उसके अंदर। तो इस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एक अच्छी चीज़ है। एंड अगर मैं बात करूँ गाइस, एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगी इसके अंदर, 26,000 रुपये का फ़ोन है एंड 4K 30 FPS तक की ही रिकॉर्डिंग आप इस फ़ोन पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी बेकार लगी। हाँ, 1080p 60 FPS तक की कर लोगे रिकॉर्डिंग, बट अभी के टाइम पर 4K तक ही है इसमें, 4K 30 FPS। एंड अगर मैं बात करूँ 8MP का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, ठीक है। एंड 2MP का आपको मैक्रो मिलता है। ओवरऑल ये दोनों को एक ज़्यादा काम के नहीं है, एंड एज अ गेमर ये तीनों ही काम के नहीं होते, तो कैमरे के ऊपर इतना नहीं जाएंगे हम, ठीक है। बात करूँगा इस सेल्फी की, तो 16MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। ओवरऑल इसकी भी क्वालिटी एक डिसेंट है, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से मेरे को लग रहा है इन्होंने थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग करी है। बात करूँ गाइस BGMI ग्राफिक्स की, हाँ ये एक मेन चीज़ है जो कि है सही है, क्योंकि स्मूथ प्लस 90 FPS का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे BGMI में 90 FPS 7 Plus Gen 2 पे, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ओवरऑल गाइस ये थे स्पेसिफिकेशंस इसके, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या ये डेड इशू है इसके अंदर। देखो गाइस, पोको X3 Pro के हिसाब से मैं कह रहा था कि ये डेड हो सकता है, क्योंकि गाइस देखो पोको X3 Pro भी आपको 20K में Snapdragon 800 सीरीज का चिपसेट दे रहा था। एंड गाइस ये भी अपने
नए प्रोसेसर मीन्स स्नैपड्रैगन 7+Gen2 एक नया ही चिपसेट है एंड गाइस एक बहुत पावरफुल चिपसेट है एंड ये 20,000 रुपीज़ में मिल रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत मतलब लोगों को सस्पिशियस लग रहा था। एंड अभी काफ़ी लोगों का फ़ोन डेड भी हुआ था, मैं मानता हूँ ये चीज़, लेकिन गाइस वहाँ पे एक सीन निकल के आता है कि मान लो 1,000 में से अगर एक का भी फ़ोन डेड हो रहा है ना, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हर एक सिंगल ब्रांड के साथ है, इवन आईफोन के साथ भी होता है, काफ़ी लोगों का फ़ोन ख़राब हो जाते हैं। तो ये 1,000 में एक आधा फ़ोन डेड हो रहा है वो चीज़ अलग है। पोको एक्स सी प्रो के सीन में क्या था, 1,000 में से 800 लोगों का फ़ोन डेड हो रहा था, 200 लोग बच रहे थे, तो आप ये समझ लो इतना खतरनाक है, मीन्स 80% लोगों का फ़ोन डेड हो रहा था। तो पोको एक्स सी प्रो के सीन में ये था। एंड मैंने आपको क्या बोला था गाइस कि आप 7 से 8 महीने रुको, क्योंकि पोको एक्स सी प्रो के सीन में क्या होता है गाइस कि स्टार्टिंग के 4 महीने फ़ोन बहुत तगड़ा चला था, ठीक है, 4th महीने से स्टार्ट हुआ था फ़ोन डेड होने वाले इश्यूज़, ठीक है। तो मैंने भी इसलिए बोला था कि थोड़े दिन वेट करो, मैं आपको एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि आपको फ़ोन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका रेट देखना है कि इसका डेड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फिलहाल के टाइम पे गाइस मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालाइज किया इस फ़ोन के बारे में, काफ़ी मतलब वीडियो सर्च की डेड हो रहे कि नहीं हो रहे। तो गाइस आप समझ सकते हो कि पोको एक्स सी प्रो के कंपैरिजन में मान लो ये सिर्फ 2-3% ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप पोको एक्स सी प्रो डेड लिख दोगे तो आपको पूरा यूट्यूब भरा मिल जाएगा इस वीडियो से, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एक आधा वीडियो मिलता है, वो भी मतलब वो भी रियल है कि फेक है, कुछ आइडिया नहीं है। तो हाँ, मैं इसके साथ ये कह सकता हूँ कि इसके साथ डेड वाला इशू तो नहीं है, ठीक है। एंड अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि इसके अंदर आपको 2 साल का प्रोटेक्ट मतलब आपको वारंटी देखने को मिलता है। तो इसकी वारंटी मैं गाइज आप कह सकता हूँ कि आप वर्थ इट रहेगी इसकी वारंटी, बिकॉज ऑफ आपका फ़ोन फिक्स मतलब सही होके आ जाएगा वारंटी में, अगर फ़ोन डेड होगा जो भी होगा तो सही हो जाएगा। क्योंकि गाइज देखो पोको एक्स सी प्रो के केस में क्या था कि हर एक सेक मतलब आप मान लो सर्विस सेंटर में फ़ोन भरे हुए थे पोको एक्स सी प्रो डेड वाले, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग नहीं कर रहे थे सही। बट पोको F5 के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, पोको F5 डेड नहीं हो रहे, तो अगर आपका डेड होता है इनकेस तो आपका रिपेयर होके आ जाएगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि गाइस 7 से 8 महीने हो चुके हैं इस फ़ोन को लॉन्च हुए हुए एंड अभी तक इसके ज़्यादा मतलब केसेस बढ़े नहीं हैं, जितने थे स्टार्टिंग के 2-4 वीडियोस थे उतने ही हैं अभी भी, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बेफिक्र रहो गाइस, इस फ़ोन को आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि गेमिंग में क्या परफॉर्मेंस है इसकी। तो अगर आप मैं बोलूँ गाइस कॉम्पिटिटिव के लिए ले रहे हो ये फ़ोन तो मत लेना गाइस, मैं मुँह पे कह रहा हूँ कॉम्पिटिटिव के लिए ये फ़ोन नहीं बनाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव के लिए गाइस आप कह सकते हो कोई सा भी एंड्रॉयड नहीं बनाए, किसी भी एंड्रॉयड पे आप कॉम्पिटिटिव नहीं खेल सकते। मतलब अगर आपको एक सीरियस करियर बनाना है कॉम्पिटिटिव में, देन आप किसी भी एंड्रॉयड की तरफ मत जाओ, मेरा तो यही ऑप्शन ओपिनियन रहेगा, ठीक है। एंड गाइस देखो मेरा ये जो ओपिनियन मैंने आपको दिया ये इसलिए दिया क्योंकि गाइस देखो एंड्रॉयड के केस में ये होता है कि अगर आपने आज फ़ोन ख़रीदा तो आपका 7 से 8 महीने फ़ोन बहुत मक्खन चलेगा, आईफोन की टक्कर का चलेगा, ठीक है, नो डाउट आईफोन से आईफोन को इजीली टक्कर भी देगा। लेकिन गाइस क्या होगा कि 9वें 10वें महीने से ना उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मतलब ड्रॉप होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपको फिर समझ लो क्या सीन होने वाला है, FPS बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लग जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव तो छोड़ो, आप नॉर्मल क्लासिक्स भी इस पर ढंग से नहीं खेल पाओगे। आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को उठा लो, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को जो अपने टाइम पे मतलब आप कह सकते हो जिसको आप किंग बोलते थे, एंड उसकी 2 साल के बाद वाली परफॉर्मेंस देख लो, एंड किसी भी आईफोन को उठा के देख लो एंड उसकी स्टार्टिंग की परफॉर्मेंस देखना एंड अभी करंट टाइम की परफॉर्मेंस देखना, तो आपको ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा दोनों परफॉर्मेंस में, दोनों के जो फ़ोन की परफॉर्मेंस होगी मतलब स्टार्टिंग के आईफोन के अंदर एंड लास्ट में, तो थोड़ा बहुत आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। बट एंड्रॉयड के केस में गाइज वो रिड्यूस होकर 50% तक पहुँच जाता है। तो ये होता है गाइज एंड्रॉयड का सीन एंड आईफोन का सीन, दैट्स वाई मैं कभी भी कॉम्पिटिटिव वगैरह जैसे गेमिंग अगर आप करियर बनाना चाहते हो इस टाइप के चीज़ों में तो मैं आपको कभी भी एक एंड्रॉयड सजेस्ट नहीं करूँगा, एंड्रॉयड से आप दूर ही रहो, आप iOS की तरफ जाओ, iOS ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाला है। तो हाँ गाइज इस फ़ोन को आप परचेज़ कर सकते हो, अगर आप एक कैजुअल गेमर हो देन आप परचेज़ करो, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर एक यूट्यूबर हो आप मेरी तरह टेक यूट्यूबर हो तो भी आप परचेज़ कर सकते हो उस फ़ोन को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जो मेरा मेन रहेगा कि कॉम्पिटिटिव अगर आप सोच रहे हो तो मत परचेज़ करना, मैं इसको सीधा बोलूँगा, ठीक है। तो खैर गाइज यही थी मेरी आज की कुछ वीडियो, तो मिलते हैं आपको एक और ऐसी न्यू वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।